दोस्तों, इस ड्रेस को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले हम कटिंग का पार्ट रखेंगे और बाद में हम इसका स्टिचिंग का पार्ट रखेंगे। तो इस तरीके का दोस्तों मेजरमेंट है। चेस्ट 32.5 की है, वेस्ट 28 है और बाकी का मेजरमेंट आप देख सकते हो। डिज़ाइन आपने देख लिया थंबनेल में, इस तरीके की डिज़ाइन है। ए लाइन का ड्रेस बनाएंगे, स्लीव में हम यहाँ पे इस तरीके से गेदर देंगे। तो इसके लिए दोस्तों ये कस्टमर ने हमें 2.5 मीटर फैब्रिक ला के दिया है। इस तरीके का फैब्रिक है, कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क है फैब्रिक पे हल्का सा। और इसमें हम कॉटन इनर यूज़ करेंगे, 2.25 मीटर के आसपास आप ले सकते हो इनर। दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, तभी हमारी वीडियो की रीच ज़्यादा रहेगी। आप दोस्तों वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसको हम अलग अलग कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक साइड को इसकी पैटर्न के हिसाब से। अमूमन मैं आपको बताता हूँ दोनों फ्रंट बैक साथ में कटिंग करने के लिए नॉर्मल ड्रेसेस के लिए, लेकिन इसमें हम पहले बैक साइड कटिंग करेंगे उसके बाद फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले इनर ले लेना है, अच्छे से प्रेस कर लेनी है। अगर आप इनर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप अपना फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करके सेट करना है। फिटिंग में प्रॉब्लम जो आती है उसका एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आप इनर को अच्छे से प्रेस नहीं करोगे, फैब्रिक को प्रेस नहीं करोगे, तो बनने के बाद फिर जब प्रेस करोगे तो वो कपड़ा खुलेगा तो उसमें लूज़ होने के चांसेस रहते हैं और टाइट होने के भी चांसेस रहते हैं। कोई फैब्रिक जो होता है वो प्रेस करने के बाद श्रिंक हो जाता है। तो आप कभी भी पहले आप कटिंग कर रहे हो तो अच्छे से प्रेस करना है फैब्रिक को, चाहे अस्तर हो या तो फिर फैब्रिक हो, अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना इस तरीके से। अब दोस्तों ए लाइन का ड्रेस हम कभी भी कटिंग कर रहे हैं तो हमें पहले नीचे से इसकी स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है लेंथ के लिए। मैं बताता हूँ आपको क्यों यहाँ से स्टार्ट करना है। नीचे की साइड हमें पहले लेंथ रख लेनी है, जैसे यहाँ 44 की लेंथ है तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम वहाँ पे जोड़ लगाएंगे तो यहाँ से फैब्रिक ज़्यादा रहेगा तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो नीचे का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं आएगा। तो कभी भी आप ए लाइन कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको नीचे से इस तरीके से पहले लेंथ ले लेनी है ताकि हमें ऊपर का जो फैब्रिक है वो यूज़ कर सके जॉइंट्स में। अगर आप बड़े पने का इनर यूज़ कर रहे हो तो उसमें जॉइंट आने के चांस नहीं है, लेकिन अगर आप छोटे पने का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर इसका जॉइंट ज़रूर आना ही आना है, तो इसका ध्यान रखना है। नीचे से हमें स्टार्ट करना है। इस तरीके से पहले मैं लेंथ ले लूँगा। अब ये मार्क करने के बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन हमारी शोल्डर की रहेगी। अब दोस्तों शोल्डर पे बहुत लोगों कंफ्यूजन है, डाउन कितना रखना है, आधा इंच रखना है, कोई कहता है 1 इंच रखना है, कोई कहता है 1.5 इंच रखना है। ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको आपके कस्टमर को कितने डाउन पे फिटिंग आ रहा है। ये मुझे नहीं पता चलेगा कि आपके कस्टमर का फिटिंग क्या है, आपके एरियाज़ में क्या फिटिंग चलता है, लूज़ फिटिंग चलता है, नॉर्मल फिटिंग चल रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीका बताऊँगा किस तरीके से आप इसको आसानी से फिटिंग में ला सकते हो कटिंग को, और क्या तरीका है इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद भी अगर आप डाउन रखना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउन रख सकते हो। अगर आपको मान लो यहाँ पे 1 इंच रखना है या 1.5 इंच रखना है, जितना भी डाउन रखना है या आधा इंच रखना है, तो आप पहले उसको डाउन के लिए मार्किंग कर लो। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर 1.5 इंच रखना है तो पहले ही मैं 1.5 इंच डाउन कर लूँगा। और उसके बाद आप अपने आमूल के हिसाब से, मैंने 50 मरतबा आपको वीडियो बताई है आमूल के लिए, तो आप आमूल का सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर कम आ रहा है तो इस लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हो। अमूल के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि डाउन अगर आपको जितना भी चाहिए, आधा इंच 1 इंच अपने कस्टमर के फिटिंग के अकॉर्डिंग, तो आप पहले से ही डाउन कर सकते हो। और अगर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उससे आप लोगों का फिटिंग आ रहा है तो आप नॉर्मली उस तरह से भी कटिंग कर सकते हो, और ये आसान तरीका भी है, इसमें टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो मैं दोस्तों जिस तरीके से कटिंग करता हूँ हमारे यहाँ फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आधा इंच हम डाउन करते हैं, 1.25 इंच तक भी जा सकते हैं। हेवी अगर मेजरमेंट है तो आप 1 इंच तक भी जा सकते हो। और रही बात 1.5 इंच की, तो मेरी राय में ये है कि 1.5 इंच आपको डाउन जब करना है, जब आप स्टेन वाला ड्रेस बना रहे हो या कॉलर वाला ड्रेस बना रहे हो तब आपको 1.5 इंच की ज़रूरत है। बाकी आपको कुर्ती में या ड्रेस में 1.5 इंच डाउन नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा डाउन होगा, फिर शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम रहेगी। और इससे पहले भी मैं समझा चुका हूँ आमूल के लिए, तो
तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट डाउन का आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कभी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं और अलग अलग तरीके से बात करते हैं। आपको जिसकी बात समझ में आए आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमारा ड्रेस है 14 इंच के शोल्डर है, तो शोल्डर का आधा माप ले लेना है, सिंपली 7 इंच पे रखेंगे। और कमर के लिए हम इसका जो माप है वेस्ट का वो आपको ले लेना है, यहाँ पे 14 पे कमर रखेंगे और 21 इंच पे हीप रखेंगे। अब ये मार्क पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब बैक साइड पे हमारी जीप है तो हमें यहाँ कमर से थोड़ा नीचे तक जीप लगानी है, तो इसके लिए इसका मार्जिन रखना पड़ेगा जीप के लिए। तो यहाँ पे मार्जिन इस तरीके से रखना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप जितना सिलाई मार्जिन में लेते हो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 14 इंच के शोल्डर है तो इसका आधा मेजरमेंट लेंगे 7 इंच, यहाँ पे भी हम 7 इंच लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ बॉडी मेजरमेंट में आपको नॉर्मल 2 इंच प्लस करना है, जितना भी आपका बॉडी मेजरमेंट है, जितना भी बॉडी मेजरमेंट है उसमें 2 इंच प्लस करना है। जो भी आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये बहुत मरतबा आपको बता चुका हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अपर चेस्ट 31 की है तो हम 31 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 33 होगा। 33 का हम क्या करेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे, तो चौथा हिस्सा आएगा यहाँ पे 8.25 इंच। तो इस तरीके से आपको 2 इंच ऐड करना है सभी मेजरमेंट में। अब दोस्तों चेस यहाँ पे 2 इंच नीचे मेज़र करेंगे, 32.5 इंच की चेस है, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 34.5 इंच होगा। तो 8.5 और 1 पॉइंट आएगा इसका चौथा हिस्सा। अब कमर में दोस्तों हम टक्स रखेंगे। अगर आपको टक्स नहीं रखना है तो इस तरीके से आप 2 से 3 इंच यहाँ पे लूजिंग रख सकते हो अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम टक्स ऐड करेंगे तो टक्स ऐड करने के लिए हमें चौथा हिस्सा ले लेना है। जितना भी हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 28 की वेस्ट है तो इसका 7 पे रखेंगे हम चौथा हिस्सा और 1 इंच प्लस करेंगे। तो बैक साइड पे हमारा टक्स रहेगा 4.25 इंच पे, हम 4.25 इंच पे हम इसका टक्स रखेंगे और 9 इंच का टक्स बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट साइड पे टक्स नहीं रहेगा इसलिए ये 1 इंच रखा है, तो ये जो 1 इंच यहाँ पे बैक साइड में टक्स के लिए सिलाई में आ जाएगा और जो फ्रंट साइड पे आएगा वो लूजिंग रहेगा, तो यहाँ पे भी टोटल 2 इंच ही लूजिंग रहेगा। तो अगर आप टक्स रखना चाहते हो तो इस तरीके से मार्किंग करना है, और टक्स नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे हमने ऊपर जिस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था आप यहाँ पे 2 से 3 इंच ऐड कर सकते हो लूजिंग। अब हीप हमारी 39.5 है, हीप में भी दोस्तों इसी तरीके से 2 इंच ऐड करना है। 39.5 की हमारी हीप है तो इसमें 2 इंच ऐड करेंगे, 41.5 रहेगा इसका मेजरमेंट, तो इसका हमें चौथा हिस्सा ले लेना है इस तरीके से। 10.5 में 1 पॉइंट कम रहेगा इसका चौथा हिस्सा। अब ये मार्किंग होने के बाद ए लाइन का हमें बनाना है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, अगर आप चाहो तो इसको और ज़्यादा फ्लेयर दे सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप फ्लेयर दे सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेयर दूंगा माप के अकॉर्डिंग इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इंच लूजिंग आ गया है। ए लाइन में हिप का फिटिंग इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर कोई कस्टमर आपको कह रहा है कि मुझे हिप से भी ए लाइन के ड्रेस में हिप से भी फिटिंग चाहिए तभी आपको इस मार्किंग पे ले लेना है, तो यहाँ से भी उसको फिटिंग रहेगा। लेकिन कोई कह रहा है कि हमें फ्लेयर चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इस तरीके से जितना चाहो फ्लेयर ले सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने नॉर्मल फ्लेयर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। अगर कोई कस्टमर फिटिंग चाहता है तो नॉर्मल इस तरीके से देना है तो हिप साइड से भी उसको फिटिंग ही रहेगा ए लाइन में। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लेयर देंगे। अब ये मार्किंग को भी मिलाएंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे अपर चेस्ट का जो हमारा मार्किंग है आप देख सकते हो, मैंने साइड पे यहाँ पे मार्क किया है। कितनी बार क्या होता है कि चेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा होता है और अपर चेस्ट बहुत शॉर्ट होती है, कम होती है, तो ये जो शेप है वो बिल्कुल अंदर की तरफ आता है, तो उसमें हमें क्या करना है कि इसको हल्का सा लेवल करना है स्ट्रेट में। अगर आप ज़्यादा अंदर मार्किंग करोगे तो यहाँ पर खोल आएगी, इस पोर्शन पे खोल आएगी और यहाँ से लूज पड़ेगा। तो इसको आपको क्या करना है, या तो चेस्ट को थोड़ा कम कर देना है या तो अपर चेस्ट पे थोड़ा बढ़ा लेना है। ये प्रॉब्लम भी कितने कस्टमर की बॉडी साइज ऐसी होती है, अपर चेस्ट कम होती है और चेस्ट ज़्यादा होती है, तो आप इस तरीके से इसका फिटिंग सेटिंग कर सकते हो। या तो चेस्ट को थोड़ा सा कम करना है या अपर चेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इसको मैं इस तरीके से शेप दे दूँगा। अब यहाँ पर हम आमोल का शेप देंगे, आमोल के लिए इस तरीके से लाइन रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से राउंड कर देंगे। अब यहाँ पे आमोल की साइज़ है 15 इंच, 15 इंच के आमोल है इसके, तो इस तरीके से मार्जिन रखते हुए हमें मार्किंग करना है। 15 का मैं यहाँ पे इस तरीके से आधा ले लूँगा, 7.5 इंच,
अब यहाँ दोस्तों नेक की ब्रॉडनेस साइज शॉर्ट है, 32 की साइज है, तो यहाँ पे आप 3 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 इंच रखूंगा और इसको डाउन दे दूंगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये अपने आप ही आधा इंच यहाँ पे डाउन आ चुका है। और मैंने आपको पहले बताया अगर ज़्यादा डाउन करना है तो आप पहले ही इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो, और नॉर्मल तरीका जो मैं बताता हूँ तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हो। अब नीचे हम क्या करेंगे, हल्का सा ए लाइन है तो इसको ए लाइन का शेप देंगे। ये राउंड शेप इसलिए देना है दोस्तों के जब ड्रेस बनने के बाद यहाँ से जो इसकी जो नोक बन, अगर आप स्ट्रेट कटिंग करोगे तो इसकी नोक नीचे की तरफ आएगी और सेंटर छोटा हो जाएगा और जो नोक वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी। तो इसलिए अगर इसको हम राउंड कटिंग करेंगे तो बिल्कुल एक लेवल में ड्रेस नीचे से जो इसकी किनारी है वो बिल्कुल एक लेवल में रहेगी। तो इसको हल्का सा 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग कर लेना है। अब हम इसका कटिंग करेंगे, मार्जिन रखना है, कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है यहाँ ऊपर की साइड इस तरीके से सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करना है, और यहाँ पे ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन रखना है, फिर इस लाइन पे इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। अब ये कटिंग होने के बाद दोस्तों नीचे का इसका जो जॉइंट है हम वो भी कटिंग कर लेंगे। नीचे का पोर्शन फिलहाल अभी नहीं कटिंग करना है, जब हम इसका जॉइंट कटिंग करेंगे उसके साथ ही कटिंग करना है। तो इस तरीके से आपको नीचे फैब्रिक रख लेना है और जो हमने यहाँ पे इसका शेप दिया था उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद फिर कटिंग कर लेना है। तो हम पिनिंग कर देंगे तरीके से, बैक साइड कटिंग करेंगे। अब ये जो मार्किंग है टॉक्स और साइड का, इसको हम दूसरी साइड ले लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों फ्रंट साइड कटिंग करेंगे तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे बॉक्स बनानी है हमें, तो उसको किस तरीके से करना है, जिसे यहाँ पे मैं नॉर्मल बॉक्स रखूँगा तो इसके लिए हमें 2 इंच पे मार्किंग करना है यहाँ पे इस तरीके से। 2 इंच फैब्रिक छोड़ना है सेंटर से। अगर आप ये बॉक्स को ज़्यादा रखना चाहते हो, प्लेट का जो लेवल है ज़्यादा रखना चाहते हो, तो आप 3 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं नॉर्मल रखूँगा 2 इंच और जो हमारी बैक साइड है उसको इस तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 2 इंच का गैप रखते हुए बैक साइड को रखना है, और जिस तरीके से हमने बैक साइड कटिंग किया है एज इट इज़ फ्रंट साइड भी इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से फ्रंट साइड कटिंग कर लेनी है। अब इसका हम फ्रंट क्रॉस के हिसाब से आमूल कटिंग करेंगे। दोस्तों फ्रंट साइड पे जो यहाँ पे क्रीज आती है तो उसके लिए आपको फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट लेना है। मैंने कई मरतबा मेज़रमेंट की वीडियो में बताया भी है, आमूल की वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ का मेज़रमेंट लेना है और उसमें सिलाई मार्जिन 8 रख करते हुए, जैसे यहाँ पे 12.5 इंच का हमारा फ्रंट क्रॉस है तो यहाँ पर हमें 13.5 इंच रखना है, ठीक है। यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करना है आमूल को, तो ये मेज़रमेंट आपको 8 करना है। तो जो फ्रंट साइड पे हमारी जो क्रीज आती है वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का कटिंग करना है। अब यहाँ पे जो हमने 2 इंच को मार्क किया इसको हम फोल्ड कर लेंगे आसानी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद फ्रंट साइड का नेक कटिंग करेंगे। तो नेक यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका नेक कटिंग करना है। तो 3.5 इंच का नेक रखेंगे, इसमें हम ये सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे शोल्डर का। तो यहाँ पे 4 इंच का मार्किंग करना है और इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से, और ये फोल्ड करने के बाद ही इसको कट करना है। तो इस तरीके से इसका नेक कटिंग करना है फोल्ड करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा इनर पोर्शन कटिंग हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक को एज इट इज इसी तरीके से कटिंग कर लेना है जैसा हमने इनर को कटिंग किया है। मेन फैब्रिक को भी दोस्तों अच्छे से प्रेस करना है और इसका प्रिंट का ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ प्रिंट आना चाहिए, इसे फ्लावर है तो ऊपर की तरफ प्रिंट आनी चाहिए, और इसका सेंटर प्रिंट का उसका भी ध्यान रखना है। अच्छे से प्रेस कर लेना है और उसके बाद फिर कटिंग करना है। पहले हमें हमेशा फ्रंट साइड कटिंग करनी है और बाद में बैक साइड कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, जिस तरीके से हमने ये इनर कटिंग किया है एज इट इज़ ऐसे ही हमें कटिंग कर लेना है। नीचे की तरफ सिर्फ हमें फोल्ड के लिए रखना है, जितना आप फोल्ड करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आपको फोल्ड के लिए रखना है फैब्रिक, और बाकी का जैसा हमने इनर कटिंग किया था वैसे कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों एज इट इज़ जैसा हमने अस्तर कटिंग किया है वैसे ही बैक साइड कटिंग कर लेना है, और फ्रंट साइड भी, और बैक साइड पे हम नॉर्मल नेक कटिंग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जीप लगाएंगे। तो 2.5 से 3 इंच का आप नॉर्मल नेक कटिंग कर सकते हो इस तरीके से।
अब इसकी दोस्तों हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। स्लीव दोस्तों कटिंग करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे हम, मोरी की तरफ हमें प्लीट लगानी है, गेजिंग लेनी है। तो पहले हम जितना हमारा आमोल है उसका शेप ले लेंगे इस तरीके से, और शेप लेने के बाद इस तरीके से मार्क कर लेना है। 15 इंच के आमोल था हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से शेप लेके मार्क कर लेना। ये बिल्कुल आसान तरीका है। फिर हम इसकी लेंथ लेंगे, 15 इंच की लेंथ है, तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका दोस्तों छोटा मेजरमेंट है, छोटा माप है, इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 8.5 रखेंगे। हल्की हल्की प्लेट लगाएंगे। ये दोस्तों जो शेप है आपको इस तरीके से देना है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं करना है, तो यहाँ पे फिर फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल शेप देना है इस तरीके से, और कभी भी आप इस तरीके से बलून स्लीव, फुग्गी स्लीव बना रहे हो तो जितना मेजरमेंट है उससे हम 1 इंच लेंथ इसकी बढ़ाएंगे। तो जब हम पट्टी लगाएंगे उसको हम अलग से दे देंगे तो इसकी लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखते हुए ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। ऊपर की साइड प्लीट नहीं लगाना है, ऊपर जो नॉर्मल हम स्लीव कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग करनी है। नीचे की तरफ सिर्फ हमारी प्लीट रहेगी। इस तरीके की स्लीव हमें इस तरीके से कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे, सेंटर का कट लगाएंगे और फ्रंट साइड का आमोल कटिंग करेंगे। इस तरीके से हल्का कट करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना है। और यहाँ पे कट लगाएंगे फ्रंट साइड के लिए, ये हमारी स्लीव कटिंग होगी। और इसी के साथ साथ हमें इसकी जो पट्टी है जो यहाँ पे हम लगाने वाले उसको भी हम साथ में ही कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी दोस्तों स्लीव यहाँ पे कटिंग होगी। यहाँ पे दोस्तों इस ड्रेस का कटिंग फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका लुक भी बताएंगे ड्रेस का, और इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।